न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। प्रदेश में लाउडस्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे के राज ठाकरे के बाद अमृता फडणवीस ने भी शिवसेना सरकार पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा, भोगे सीख हमारे योगी से। तो शिवसेना नेता संजय राउत ने लाउडस्पीकर मामले में भाजपा पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज की रात भी जेल में ही बितानी होगी। उनकी जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। इसी बीच मलाड स्थित सोनी टीवी प्रोडक्शन हाउस को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि बिल्डिंग के दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें फ्लोर सहित टेरेस पर अवैध निर्माण किया गया है। तो उधर शिवसेना के लोकसभा सदस्य राहुल शिवाले पर 26 वर्षीय एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दी है कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाए। राज ठाकरे के अल्टीमेटम ने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा हाई कर दिया है, तो कई प्रदेशों में भी इसकी आंच पहुंची है। यूपी में भी कई स्थानों पर लाउडस्पीकर को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर पर बड़ा आदेश जारी किया है। इसके बाद मंदिरों मस्जिदों से ताबड़तोब लाउडस्पीकर उतारे जाने लगे। योगी ने अभियान की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर से कराई, तो प्रदेश में मंदिर और मस्जिदों से खुद ही लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला और तेज हो गया। राज ठाकरे ने योगी सरकार के इस एक्शन की जमकर तारीफ की और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी सरकार है। उनके उद्धव को भोगी कहने के बाद अमृता फडणवीस ने भी शिवसेना सरकार पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने को लेकर उनके एक्शन की तारीफ की। अमृता ने लिखा, भोगी सिख हमारे योगी से। हालांकि अमृता ने इस ट्वीट में उद्धव का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनका इशारा महाराष्ट्र के सीएम की तरफ ही था। इससे पहले भी उन्होंने हनुमान चालीसा मामले को लेकर ट्वीट किया था कि कलयुगी के इस राजा ने अब दिया एक फरमान है, जो उगलेगा गाली उसे इज्जत और मान है, जो जपेगा नाम प्रभु का उसकी हलक में जान है। शिवसेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन किया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने संघ प्रमुख को बधाई दी और कहा कि उनके विचार पर देश भर में बहस होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर भी राजनीति करने के आरोप लगाए। अमरावती में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि हिंसा को पसंद करने वाला समाज अपने अंतिम दिन गिन रहा है। हमें हमेशा अहिंसा और शांति प्रिय रहना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को साथ लाना और मानवता का संरक्षण करना जरूरी है। हमें इस काम को प्राथमिकता से करना होगा। इस पर राउत ने कहा कि मैं मोहन भागवत जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे विचार को आगे लाया है, जिस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर राउत ने कहा कि राज्य गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मामले में निर्णय लेने के लिए सभी विपक्षी दलों को बुलाया था, लेकिन यहां के बीजेपी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मामले में बीजेपी अशांति फैलाना चाहती है, मतलब वो राजनीति करना चाहती है। मालूम हो कि 25 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे शामिल नहीं हुए थे। खास बात है कि इस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा नहीं लिया था। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब कल शनिवार को सुनवाई की जाएगी। इस वजह से आज की रात भी राणा दंपति को जेल में भी बितानी होगी। दूसरे मामलों की वजह से आज सुनवाई हो पाना संभव नहीं था। उनके वकील ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। नवनीत राणा और उनके पति को बीते सप्ताह गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। नवनीत राणा ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अपील भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। राणा को उम्मीद थी कि आज शायद वो जेल की सलाखों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन अदालत ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया है। पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि दोनों पर देशद्रोह का मामला गंभीर है। रवि राणा पर पहले से ही कई क्रिमिनल केस दर्ज है, तो नवनीत राणा ने जाली दस्तावेज बनाए हैं। जमानत मिलने पर दोनों जेल से बाहर आकर केस को प्रभावित कर सकते हैं। राणा दंपति की तरफ से एडवोकेट आबाद पोंडा ने कहा कि ये केस बिना बात का है। राणा दंपति चुने हुए नेता है जो कहीं नहीं भागेंगे, लिहाजा उनकी आजादी उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए। बीएमसी ने अब सोनी टीवी को भी नोटिस भेजा है। मलाड में स्थित सोनी टीवी प्रोडक्शन हाउस को भेजे नोटिस में बीएमसी ने कहा है कि बिल्डिंग के दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें फ्लोर सहित टेरेस पर अवैध निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा बीएमसी खुद तोड़कर कार्रवाई करेगी।
पी नॉर्थ वार्ड द्वारा दी गई नोटिस अवैध निर्माण को चिन्हित कर ब्यौरा दिया गया। इसके अनुसार बिल्डिंग के निर्माण के समय पर प्लान में काफी फेरबदल किया गया है, जिसमें ऑफिस और स्टूडियो के साथ कैंटीन और रसोई घर, मेकअप रूम, सर्वर रूम और कैबिन में अवैध निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही एडिटिंग रूम और स्टोरेज रूम में भी अवैध निर्माण हुआ है। नोटिस में 30 दिनों के भीतर स्वतः अवैध निर्माण को हटाने की मोहलत दी गई है। बीएमसी अधिकारी का कहना है कि सोनी टीवी द्वारा किए गए इस अवैध निर्माण की वजह उनके अपने ही कर्मचारियों और बिल्डिंग के बाकी लोगों की जान खतरे में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है और कईयों की जान जा सकती है। अवैध निर्माण की जानकारी के बाद बीएमसी ने संबंधित विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर राणे और सब इंजीनियर गीते को भेजकर सर्वे भी करवाया है, साथ ही उन्हें नोटिस भी दिया है। इस एक्ट के तहत बीएमसी एक महीने का समय देती है। अवैध बांधकाम को हटाने के लिए बीएमसी इसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर निकालेगी और 15 दिनों के अंदर तोड़ देगी। शिवसेना के लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले पर 26 वर्षीय एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती ने सांसद के खिलाफ मुंबई के साकिनाका थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपों को गलत बताते हुए सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, वो खुद इसकी जांच कर रहे हैं। शेवाले ने बलात्कार के आरोप का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि उनकी राजनीतिक छवि बिगाड़ने के उद्देश्य से साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है और मेरी छवि खराब करने के इरादे से किया गया है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और इस फर्जी शिकायत के पीछे के लोगों का पर्दाफाश भी करूंगा। युवती के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। शिवाले ने अपने ऊपर युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। गौरतलब है कि इसके पहले मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धनंजय मुंडे से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उनके खिलाफ रेप के मामले को फिर से शुरू करने की धमकी दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सट्रॉशन सेल ने उक्त महिला के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया है। अप्रैल में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। ये भारत में अब तक का सबसे गर्म अप्रैल बनने की ओर है, तो भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में 16 राज्य में 10 घंटे तक की बिजली कटौती शुरू हो गई है। वहीं देवबंद के दारुल उलूम में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। इसके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की बात सामने आई है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्य प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में संकेत दिए हैं कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मैदान में भाजपा हार्ड कोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ उतरेगी। तो उधर सपा के अखिलेश यादव के बयानों से खफा बसपा मुखिया ने गुस्से में ट्वीट किया है कि मैं सीएम बनूं या पीएम बनूं, लेकिन अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। देशभर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अप्रैल में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। तमाम जगहों पर पारा 46 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे भी पार जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू की भविष्यवाणी की है। इसके साथ देश में ये महीना गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है। ये भारत में अब तक का सबसे गर्म अप्रैल बनने की ओर है। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले 4-5 दिनों तक लू के थपेड़े बेहाल करेंगे। आईएमडी ने पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी आ सकती है। छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इन इलाकों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी दिन के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने व जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद है। नतीजा 16 राज्यों में 10 घंटे तक की बिजली कटौती शुरू हो गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में कहीं ज्यादा है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने पावर प्लांट तक कोयले की तेजी से सप्लाई के लिए 24 मई तक की कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सके। भारतीय रेलवे के कार्यकारी निदेशक गौरव कृष्ण बंसल के मुताबिक पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला अस्थायी है। स्थिति सामान्य होते ही सेवाएं वापस शुरू कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद रेलवे अपने बेड़े में 1,00,000 और वैगन जोड़ने जा रहा है। इसके अलावा रेलवे माल को तेजी से पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बना रहा है।
इसमें लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस 500 ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही रेलवे ने कोल रैक्स की एवरेज डेली लोडिंग भी 400 से ज्यादा कर दी है। यह आंकड़ा पिछले साल में सबसे ज्यादा है। रेलवे प्रतिदिन 415 कोल रैक्स की ढुलाई कर रहा है ताकि कोयले की मौजूदा मांग को पूरा किया जा सके। इनमें से हर एक कोल रैक में 3500 टन कोयला होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देवबंद के दारुल उलूम में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम तलहा है। जानकारी के अनुसार इस छात्र पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दारुल उलूम में दाखिला लेने का आरोप है। उसके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की बात सामने आई है। खबर यह भी आ रही है कि उसने बांग्लादेश के फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिला लिया था। गिरफ्तार छात्र बांग्लादेशी नागरिक है। उसकी गतिविधियों को देखते हुए उस पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाह थी। वह वर्ष 2015 से देवबंद से फर्जी कागजातों के आधार पर रह रहा था। जब उसकी गतिविधियां बढ़ने लगी तो वह एटीएस के रडार पर आ गया। गुरुवार की देर रात यूपी एटीएस की टीम दारुल उलूम पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। भारत आने के मकसद और इसमें सहयोग करने वालों के नाम भी उगलवाने का प्रयास यूपी एटीएस की ओर से की जा रही है। उसे किस चीज के लिए ट्रेन किया गया है इसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही उसके नेटवर्क को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। तलहा नाम के छात्र के जरिए पूरे मसले को जानने और समझने की कोशिश की जा रही है। बाहर से यहाँ आकर रहने, फर्जी कागजात के इस्तेमाल और उनके मददगार को लेकर चल रही पूछताछ से बड़ा खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मैदान में भाजपा हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ उतरेगी। इसका इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्य प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में किया गया। बैठक दिल्ली में हुई। यह पहला मौका है जब संघ के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें संघ के एजेंडे पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में खरगोन दंगे का मुद्दा भी छाया रहा। इस पर तय हुआ कि दंगाइयों पर उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई की जाए, यानी मिशन 2023 का एजेंडा हार्डकोर हिंदुत्व होगा। खास बात है कि बैठक में सत्ता संगठन पर संघ हावी रहा। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने पूछा कि चुनाव में महज 1.5 साल बचे हैं, चुनाव का एजेंडा क्या है जिसे लेकर जनता के बीच में जाए। केवल सरकार की योजनाओं का लाभ देना काफी नहीं है। सरकार तभी बनेगी जब किसी एजेंडे को लेकर जनता के बीच में लाए। लच्छेदार बातों से सरकार नहीं बनती। पहली बार कोर ग्रुप की बैठक में संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार के अलावा तीनों प्रांत मध्य भारत, महाकौशल और मालवा के प्रचारक भी मौजूद थे। पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन वे पूरे समय नहीं रहे। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए आज सुबह सुबह कई ट्वीट्स किए। मायावती ने लिखा है कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। साथ ही लिखा है कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो फिर वो दूसरों के पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। एक अन्य ट्वीट ने बसपा मुखिया ने लिखा है कि मैं सीएम व पीएम बनूं या न बनूं, लेकिन अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मायावती और अखिलेश यादव के बीच पूरे वाद विवाद की शुरुआत 2 दिन पहले तब हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने अपने एक बयान में कहा कि भाजपा ने बसपा का वोट तो हासिल कर लिया, अब क्या मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी। दरअसल गत गुरुवार को अखिलेश यादव एक इफ्तार पार्टी में गए थे जहां उनसे मायावती के राष्ट्रपति न बनने वाले बयान पर सवाल किया गया था। तब अखिलेश ने कहा कि वे भी चाहते थे कि बसपा की मुखिया मायावती प्रधानमंत्री बने। पलटवार में मायावती ने कहा कि सपा मुखिया यह अफवाह फैलाना बंद करे, चुनाव में मात खाने के बाद वह तो खुद विदेश भागने की फिराक में है, इसलिए वह पहले ही उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में भारी फजीहत हुई है। वे जैसे ही मदीना की मस्जिद नबवी पहुंचे, लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। तो चीन कोरोना से बेहाल है, शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आ रही है। वही तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन पर बेहद भरोसा करते थे। इसी बीच पाकिस्तान के ही पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू होने के चलते अफरीदी उन्हें खेलने नहीं देना चाहते। तो उधर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सोने के अवैध खनन के दौरान भूस्खलन हो गया। इस हादसे में दबकर 12 महिलाओं की मौत हो गई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, लेकिन यहां उनका स्वागत बड़े अजीबोगरीब तरीके से हो रहा है।
जैसे ही शाहबाज शरीफ मदीना की मस्जिद नबवी पहुंचे, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में सैकड़ों श्रद्धालु पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के मस्जिद में प्रवेश करते ही चोर चोर के नारे लगाने लगे। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को मदीना की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और नेशनल असेंबली के सदस्य शाहजान बुख्ती भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। पाकिस्तान के अखबार के अनुसार औरंगजेब ने इस प्रदर्शन के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब रवाना होने से पहले शरीफ ने ट्वीट किया कि आज मैं हमारे भाईचारे और दोस्ती के रिश्ते के नवीनीकरण और पुनः पुष्टि के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ। मैं सऊदी नेतृत्व से विस्तृत मुद्दों पर चर्चा करूंगा। सऊदी अरब हमारा महान दोस्त है और दो पवित्र स्थानों मक्का और मदीना का संरक्षक होने के नाते हमारे दिलों में उसके लिए विशेष स्थान है। खबरों की माने तो शहबाज शरीफ केंद्रीय बैंक में जमा राशि 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 करने और सऊदी तेल सुविधा को 1.2 अरब डॉलर से 2.4 अरब डॉलर करने का अनुरोध करने के लिए रियाद पहुंचे हैं, ताकि कुल पैकेज बढ़कर 7.4 अरब डॉलर हो जाए। चीन ने ही 2019 में कोरोना वायरस के पहले मामले की सूचना दी थी। यहाँ से निकलकर इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन चीन ने शुरुआती चरण में ही संक्रमण पर काबू पा लिया था। अब चीन कोरोना की सबसे बुरी लहर से जूझ रहा है। सबसे बुरी हालत देश के सबसे बड़े शहर शंघाई की है, जहाँ कई हफ्तों से सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद स्थिति काबू में नहीं आ रही है। शंघाई के बाद अब राजधानी बीजिंग के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अभी तय नहीं है कि स्कूलों को कब खोला जाएगा। करीब 2.1 करोड़ आबादी वाले शहर में इस हफ्ते पहले ही 3 बार सामूहिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। बीजिंग को मिलाकर वर्तमान में चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। कुल मिलाकर 16.5 करोड़ की आबादी अपने घरों के भीतर कैद है। महामारी की शुरुआत से ही चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर जोर दे रहा है। लॉकडाउन, मास टेस्टिंग, क्वारंटाइन और सीमाएं बंद के बावजूद वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। प्रतिबंध इतने सख्त है कि शंघाई में लोग भूख से मर रहे हैं। कई हफ्तों से अपने घरों में कैद लोगों के पास अब खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। लोग अपनी खिड़कियों और बालकनियों में आकर नारे लगा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग खाने के लिए जेल जाने को भी तैयार है। निर्वासन में तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार करते हुए एक बड़ी गलती की थी, लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें अपने देश के लिए सबसे अच्छा लगा। बता दें कि सेरिंग राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों और अमेरिकी कांग्रेस संसद के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए अमेरिका आए हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर नेहरू का निर्णय दुनिया को लेकर उनके अपने दृष्टिकोण पर आधारित था और उन्हें चीन पर बहुत अधिक विश्वास था। उन्होंने कहा कि केवल भारत ने ही नहीं, बहुत से देशों ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार किया, इसलिए मैं केवल पंडित नेहरू को यह करने का जिम्मेदार नहीं ठहराता। हम समझते हैं कि हर देश के लिए राष्ट्रहित सबसे पहले आता है, और उन्होंने उस वक्त वही किया जो उन्हें भारत के हित में सर्वश्रेष्ठ लगा। उन्होंने कहा कि अब बहुत से लोग सोचते थे कि पंडित नेहरू ने भयंकर गलती की थी, लेकिन तथ्य यह है कि वह चीन पर बेहद भरोसा करते थे। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। तिब्बत और चीन को लेकर 2014 के बाद से भारत ने भी अपना रुख बदला है। चीन को भी कुछ इस तरह से विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव करने चाहिए। वक्त की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती होती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के खिलाफ पाकिस्तान के ही पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू होने के चलते आफरीदी उन्हें खेलने नहीं देना चाहते थे, जबकि मेरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर था और मैं इन सब तरकीबों को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन शाहिद आफरीदी दूसरे खिलाड़ियों को मेरे खिलाफ भड़काते थे। मैं अच्छा प्रदर्शन करता जा रहा था, इसलिए उन्हें और जलन हो रही थी। मुझे गर्व है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेला, मैं इसका आभारी हूँ, लेकिन आफरीदी एक झूठा, जालसाज और चरित्रहीन इंसान है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किसी ने धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भी कह चुके हैं कि दानिश कनेरिया के साथ पाकिस्तानी टीम के कुछ क्रिकेटर धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे। दानिश ने भी कहा कि शोएब अख्तर पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी समस्या के बारे में खुलकर बात की। दानिश कनेरिया को स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने निलंबित कर दिया था।
हालांकि कनेरिया इन आरोपों को आज भी गलत बताते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ गलत आरोप गढ़े गए। मैं नहीं जानता कि आखिर मुझे ही क्यों निशाना बनाया गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सोने के अवैध खनन के दौरान भूस्खलन हो गया। इस हादसे में दबकर 12 महिलाओं की मौत हो गई। ये महिलाएं कई टन मिट्टी के नीचे दब गई। इनके शवों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। मेडल पुलिस के अनुसार उत्तरी सुमात्रा के मॉडलिंग नेटाल जिले के एक गांव में एक छोटी और अनधिकृत सोने की खदान में लगभग 14 महिलाएं 6.5 फीट की गहरे गड्ढे में सोने की तलाश कर रही थी। इसी दौरान भूस्खलन हुआ जिससे आसपास की तमाम पहाड़ियां हिल गई। अचानक हुए भूस्खलन के चलते सभी महिलाएं टनों मिट्टी के नीचे दब गई। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे तक तलाशी एवं बचाव अभियान चलाया। इसके बाद 2 महिलाओं को बचा लिया गया। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मलबे से 12 महिलाओं के शव बरामद हुए। अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में ऐसे तमाम अवैध गड्ढे हैं जहां सोने की तलाश में महिलाएं और स्थानीय लोग गड्ढों में उतरते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। हादसे के बाद इन गड्ढों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का देश है। यहाँ करीब 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। अक्सर ज्वालामुखी फटने की वजह से यह भूकंप आता है। अप्रैल 2020 में भी सुमात्रा में अवैध सोने की खान में खनन कर रहे 9 लोगों की भूस्खलन में दबने से मौत हो गई थी। सुमात्रा इलाके में तमाम अवैध खदानें हैं जहां लोग सोने की तलाश में जाते हैं। उस घटना के बाद भी तमाम अवैध खदानें बंद कराई गई थी। अब एक बार फिर से अवैध खानों को भरने की कवायद की जा रही है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।